मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ में बनना प्रस्तावित हुआ है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें छोटे मझोले उद्योग के लोगों को अपने सामान बेचने के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। जमीन के लेने की बात चल रही है, इसमें लगा हुआ था तो 1,000 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क। आज मैं पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूँ, यहाँ संजय चौरसिया भी बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए हम लोग दल के ऊपर उठकर बात करते हैं, नीतीश कुमार कुछ भी कहें। जो पूरा अटल पथ बना है, इसमें रेलवे लाइन को लेने के बारे में बहुत कठिनाई आ रही थी, पीयूष गोयल से हम लोग सब लोग लगे भिड़े, बाद में वो सस्ते दाम पर मिला। आपको मालूम है आज अटल पथ कितना जोरदार बना है, पटना में एम्स आया, पटना में आईटी आया, पटना पहले एनआईटी आया, मैंने अपने आईटी विभाग के कितने बड़े बड़े कार्यालयों को यहाँ नाइलेट हो, बाकी हो, टीसीएस हो, सब तो पटना में आया। तो हम लोग भैया भागलपुर में एसटीपीआई, दरभंगा में एसटीपीआई, फिर आपके बक्सर में नाइलेट, मुजफ्फरपुर में नाइलेट, तो जितना काम बिहार के लिए होगा हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। नीतीश बाबू कितना करेंगे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आज मैंने ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, वित्तीय सहयोग और नेशनल हाईवे, इसका विस्तार से बताया और बजट के मूल बिंदुओं को बताया। आज मैं आग्रह यही करूंगा कि इस बजट में देश के विकास की चिंता है और बिहार के विकास की और चिंता है, चाहे वो हेलीपोर्ट हो, चाहे अपने मछुआरा समाज की चिंता हो, चाहे किसानों की चिंता हो, चाहे छोटे किसानों को चिंता हो। देखिए एक अंतिम बात करके फिर मैं आपके सवाल लूंगा, छोटा किसान क्या उगाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इसका नाम दिया गया श्री अन्न, और ये नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया है श्री अन्न। और जैसे योग को दुनिया में पहुंचाया गया, आज मिलेट को भी पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे G20 के प्रतिनिधि आ रहे हैं वो योग भी करते हैं और मिलेट का खाना भी खाते हैं। और मैं अपने मीडिया टीम से आग्रह करूंगा कि एक दिन पत्रकारों को मिलेट के आटा का दोसा, इडली सब मिलता है, खिलाइए, मैं भी आऊंगा, ठीक है? इस आंदोलन में हम लोग भी जुटे हैं, आपसे आग्रह है इंचार्ज साहब, इसकी चिंता आप करेंगे। तो मित्रों ये पूरा बजट था, ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ सबका विकास। जो बाकी काम हुआ उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसका एकमात्र संकल्प है कि भारत को इस अमृतकाल के आरंभ होकर दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। बस मित्रों मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था, आपको ये सब स्टेटमेंट मिल जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।